नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 12 में गुरुवार की शाम एक निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत गिर गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना स्थल की जांच के लिए एक क्राइम टीम गठित कर दी गई है और मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतका की पहचान पहला देवी के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। उसे तुरंत IGI अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी तब सामने आई जब पेट्रोलिंग कर रही द्वारिका नॉर्थ पुलिस ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास भीड़ जमा देखी तो पता चला कि एक निर्माणाधीन बेसमेंट की एक दीवार गिर गई है और कुछ लोग उसमें फंसे हुए थे। घायलों को 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है द्वारिका में गिरी अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल की इमारत, जिसमें एक की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इस समय राजधानी दिल्ली के अंदर मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते कच्चे मकान ढहने लगे हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन इमारत भी गिरने लगी है। और बता दें कि आज भी मौसम पूरी तरीके से ख़राब है और इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।